सो सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। माई सेल्फ डॉक्टर मुकेश कुमार, स्वागत है आपका हमारे फोरम एमके चैनल में। जैसा कि आप यहां पर ऑफिशियली न्यूज़ देख पा रहे होंगे, नीट एमबीबीएस वालों के लिए राम मंदिर की तरफ से बहुत ही बड़ी खुशखबरी। जी हां बिल्कुल, यहां पर सरकार ने आपको राम मंदिर के साथ साथ आपको भी यहाँ पर बहुत बड़ा तोहफा यहाँ पर दिया है। ऑफिशियली मैं आपको दिखा देता हूँ और यहाँ पर नीट के जो स्टूडेंट है, जो नीट एस्पिरेंट है, उनको राम भगवान से क्या सीखना चाहिए और काफी कुछ सीखने को मिलेगा आपको यहाँ पर। देखो कौन से यहाँ पर, ये देखिए कौन सा गवर्नमेंट है, कौन सा मेडिकल, सब यहाँ पर आ चुका है। और यहाँ पर बोला है साफ साफ कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले बिहार में राम जानकी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन, जहाँ पर ऑल इंडिया के कैंडिडेट एमबीबीएस कर सकेंगे। तो ये सभी ऑल इंडिया वालों के लिए रहने वाला है। सो यहाँ पर 100 सीटें और बढ़ने वाली है। जी हाँ बिल्कुल, एमबीबीएस की 100 सीटें और प्लस आपके होने वाली है, क्योंकि राम मंदिर के यहाँ पर जो, ये देखिए पूरा आ गया, ठीक है, प्राण प्रतिष्ठा से एक दिन पहले मेडिकल कॉलेज का भी उद्घाटन होने वाला है। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बन रहे भव्य राम मंदिर में यहाँ पर 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले 21 जनवरी को नीतीश कुमार राम जानकी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। और यहाँ पर इसको लेकर और भी अपडेट है, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भगवान राम और मां जानकी के नाम पर बने मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इस मेडिकल कॉलेज में राजस्थान वाले, एमपी वाले, यूपी वाले, बिहार वाले, झारखंड वाले सभी यहाँ पर एमबीबीएस कर सकेंगे और एक अच्छा डॉक्टर बन पाएंगे। और यहाँ पर ये देखिए, कॉलेज में 100 सीटों पर एमबीबीएस में दाखिला की तैयारी, 500 बेडेड हॉस्पिटल। और यहाँ पर इन्होंने बोला है कि इसी सेशन से 2024 से एमबीबीएस में एडमिशन हो जाएगा। सो प्रिय विद्यार्थियों, आप यहाँ पर भी देख सकते हो, अयोध्या में राम मंदिर से पहले बिहार में श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज का होगा उद्घाटन, आधुनिक सुविधाओं से होगा लैंस। और यहाँ पर यह तय हो चुका है, आपको देख लो, विजय चौधरी ने बताया है कि मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन की तिथि तय हो गई है, 21 जनवरी को यहाँ पर मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। और यहाँ पर भगवान राम से नीट एमबीबीएस वालों को क्या सीखना चाहिए, ये यहाँ पर आप देख सकते हो, शांति से लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। जैसा कि भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था, जिसमें 12 साल उन्होंने चित्रकूट में ही बिता दिए। जब उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वन के सभी लोग उन्हें पहचानने लगे, उनके उद्देश्य में व्यवधान पड़ सकता है, तब वह वन से अगले पड़ाव की ओर चल पड़े। राम को आत्म प्रचार पसंद नहीं था, वे चुपचाप रहकर काम करना पसंद करते हैं। और मैं यही कहूँगा, आपको भी चुपचाप रह के नीट की तैयारी करनी है, किसी से कुछ नहीं बोलना कि हम ये कर रहे वो कर रहे, सबको पता है सिलेक्शन हो जाएगा। जिस दिन पूरी दुनिया को पता लग जाएगा कि हाँ इसका एमबीबीएस में सिलेक्शन हो गया, इनका एम्स में सिलेक्शन हो गया, इनका बीएस नर्सिंग में सिलेक्शन हो गया, ऑटोमेटिक दुनिया को पता लग जाएगा। बस आपको चुपचाप तैयारी करते रहना है, भगवान राम से आपको यही सीख लेनी है। ये देखिए, चुपचाप रहकर काम करना है और अपने बारे में किसी को अधिक बताना भी नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, मैंने देखा है, अपने परिवार में, रिश्तेदारों में, फ्रेंड सर्किल में बताते रहते हैं, हाँ मैं ये कर रहा हूँ, मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ, सिलेक्शन करके दिखाऊंगा, और बाई चांस नहीं हो पाता है तो फिर शर्मिंदगी महसूस होती है। तो बताने से होगा क्या, आप तो चुपचाप रह के अपने ध्यान में तैयारी करो ना। विज्ञापन के इस युग में राम के चरित्र से एक सीख लेनी चाहिए कि बिना प्रचार के शांति से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए। जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आपका टारगेट है कि हमको 2024 में 25 में नीट क्रैक करना है, एम्स में जाना है, बीएस नर्सिंग में जाना है, जो भी टारगेट है अपने मन में रखो और चुपचाप रहकर उस पर फोकस रखो, ताकि आपको सफलता हासिल हो। सो यहाँ पर भगवान राम से नीट वालों को, एमबीबीएस वालों को ये सीख सबसे ज्यादा लेनी चाहिए, ताकि आप यहाँ पर एक सफल इंसान बन सको। और देखो, लाइक तो बनता है भगवान राम के लिए, जिन्होंने लाइक नहीं किया है लाइक कर देना, और कमेंट में जय श्री राम तो बनता ही है।
हाँ बिल्कुल, देखो यहाँ पर काफी कुछ सीखने को मिलता है और कितना अच्छा काम करके गए यहाँ पे वो भगवान राम कि आज भी हर दुनिया यहाँ पर। देखो एक और आपके लिए मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर इनको दुनिया ही हमारा देश ही नहीं देश विदेश से भी, देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये देखिए प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर ऐसा काम करके गए राम, यहाँ पर अपना देश ही नहीं विदेश से भी यहाँ पर उपहार भेजा जा रहा है, ये देखिए विदेशों से भी, ये देखिए क्या बात है, लायक तो बनता है। देखो ये पूरी लिस्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ, अयोध्या राम मंदिर के लिए देश विदेश से आ रहे उपहार, खुद आप यहाँ पर देख लो, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भगवान राम मंदिर के यहाँ पर 22 जनवरी को विराजमान होंगे, 22 जनवरी पता होगा आपको, इस मौके पर देश विदेश से खास उपहार गिफ्ट अयोध्या आ रहे हैं, इन उपहारों में 108 फुट लंबी अगरबत्ती, चलो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखिए 2100 केजी का घंटा, 1100 किलो का दिया, 108 फीट के अगरबत्ती, 10 फीट का ताला, ये देखिए गवर्नमेंट इतना कुछ कर रही है राम मंदिर के लिए, तो गवर्नमेंट ने सोचा कि नीट और एमबीबीएस वालों को भी कुछ किया जाए, उनको भी तोहफा यहाँ पर दिया जाए ताकि उनके मन में खुशी की लहर हो। तो यहाँ पर इस शुभ अवसर पे सरकार ने मेडिकल कॉलेज का तोहफा नीट और एमबीबीएस वालों को दे दिया। यहाँ पर भी आप देख सकते हो चांदी के जूते, सीता माता के लिए काश साड़ी, राम मंदिर के लिए देश विदेश से आ रहे हजारों उपहार, सबसे बड़ी बात है कि आउट ऑफ कंट्री से भी यहाँ पर उपहार आ रहे हैं, तो यहाँ पर काफी तरक्की पे है इंडिया, आप खुद देख लो। और मेडिकल कॉलेज तो आपने देखा होगा कितने सारे बन गए, कितनी सारी सीटें बन यहाँ पर बढ़ चुकी है, और काफी सारे मेडिकल कॉलेज बढ़ चुके हैं, जो आपका सपना है डॉक्टर बनने का अब वो पूरा होने वाला है। और इतना ही नहीं, अयोध्या के लिए फ्री ट्रेन यहाँ पर सरकार संचालित करने वाली है उस दिन, क्या बात है, मतलब कितना दिल खोल के, कितना दिल खुश हो रहा है हमारे इंडिया का, और इंडिया का ही नहीं विदेश आउट ऑफ कंट्री वालों का भी। और यहां तक कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर यूपी में 22 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित योगी सरकार ने, क्या बात है, इतना खुशी की लहर है इंडिया में, खुद आप देख सकते हो न्यूज के माध्यम से। और मैं यही कहूंगा नीट एमबीबीएस वालों को यहां पर भगवान राम से ये सब कुछ सीखना चाहिए, जैसा कि यहां पर आप देख पा रहे, सीता हरण से लेकर हरिणहरण तक, खुद का हरण और लक्ष्मण को मूर्छित हो जाने पर कई संकटों का सामना करना, कितने सारे संकट आए थे इनके सामने लेकिन फिर भी हार नहीं मानी, तो आपको भी हार बिल्कुल भी नहीं मानना है। और मैं कहना चाहूँगा कि ये वाला जो गुण है नीट एस्पिरेंट को अवश्य अपनाना चाहिए, माता पिता के लिए सम्मान, जी हाँ बिल्कुल, हमारे पेरेंट्स आपके पेरेंट्स सच्चे दोस्त वही है, बिल्कुल आपने सही सुना, जो बिना किसी स्वार्थ के आपका भला चाहते हैं वह माता पिता, तो इनका सम्मान हमेशा करना, करते रहना और उनका कहना मानना। देखो माता पिता कभी भी अपने बेटा बेटी का बुरा नहीं चाहते, वो हमेशा आपका भला चाहते हैं, दुनिया में और आपका कोई नहीं होगा लेकिन माता पिता संकट के समय हमेशा आपके साथ रहेंगे, तो थोड़ा इसका भी ध्यान रखना, जैसा कि यहाँ पर बोला हुआ है, इस बात को जिंदगी भर याद रखना, क्योंकि आपने देखा होगा ऑब्जर्व किया होगा कि बहुत सारे लड़का या फिर लड़कियां है ना अपने जीएफ और बीएफ के लिए कुछ भी कर देते हैं, ये गलत बात है, जीएफ हो गया बीएफ हो गया ये सब दिखावा है और कुछ है नहीं, है ना, जीएफ बीएफ के लिए कुछ भी कर देते हैं, कुछ भी उनको शॉपिंग करवा के दे देते हैं चाहे उनके पास पैसे हो नहीं हो, और एक टाइम आता है जीएफ और बीएफ धोखा दे बैठते हैं और आप अकेले रह जाते हैं, या फिर संकट के टाइम पे भूल जाते हैं, मजबूरी बता के जाने किधर निकल जाते हैं, ठीक है, लेकिन माता पिता ऐसे हैं चाहे कोई भी दिक्कत आ जाए लेकिन हमेशा आपके सामने खड़े रहेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे। और यहाँ पर अगर नोटिस करना, कभी अपनी मम्मी को या फिर पापा को कुछ छोटा सा भी आप खरीद के दे दोगे ना, इतनी खुशी मिलेगी उनको, और पहली बात वो आपसे कुछ चाहेंगे नहीं, है ना, कुछ मांगेंगे नहीं, और हमेशा वो आपको सपोर्ट ही करेंगे, उल्टा आपको देना ही पसंद करेंगे, और कभी भी कोई भी मजबूरी नहीं बताएंगे, मजबूरी भी होगी लेकिन वो पहले आपके लिए हाजिर रहेंगे, तो माता पिता का यहाँ पर थोड़ा आपको सम्मान करना दिल से।
और शांति से लक्ष्य की ओर बढ़ना, ये दो गुण भी अगर आप राम भगवान के अपने आप में अपना लोगे तो आपको सक्सेस सफलता हासिल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। सो, बहुत खुशी की बात है कि राम मंदिर के इस अवसर पे मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन भी यहाँ पर हो रहा है और ये ऐतिहासिक यादगार दिन रहेगा। सो, ये सारी न्यूज और ये अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा दूंगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हो।